नमस्कार, आज मैं आदित्य पटेल आप लोगों को पूर्ण संख्याओं अर्थात होल नंबर्स के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। आज हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा क्या होती है, पूर्ण संख्याओं के गुण और पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। इस पाठ में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए दोहरा लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्या हमारे मुंह से प्राकृतिक रूप से आती हैं, गिनते समय उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3 इत्यादि। पूर्ववर्ती और परवर्ती। किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती प्राप्त होता है। वहीं किसी प्राकृत संख्या में एक घटाने पर उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। उदाहरण, संख्या 3 में एक जोड़ने पर 4 मिलता है और 4 संख्या 3 का परवर्ती कहलाता है। वहीं 3 में 1 घटाने पर 2 प्राप्त होता है और 2 संख्या 3 का पूर्ववर्ती कहलाता है। आइए जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या 0 के साथ जो संग्रह बनाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3 इत्यादि। संख्या रेखा। एक रेखा खींचिए, उसमें एक बिंदु बनाकर उसे 0 नाम दीजिए। उसकी दाईं ओर कुछ दूरी पर एक और बिंदु बनाइए और उसका नाम 1 दीजिए। 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी 1 की दाईं ओर लेकर एक और बिंदु बनाइए और उसका नाम 2 दीजिए। इसी प्रकार उतनी ही दूरी पर 2 के दाईं ओर एक बिंदु बनाइए और उसका नाम 3। इसी प्रकार करते करते जो हमें रेखा प्राप्त होती है वह संख्या रेखा होती है। 0 और 1 के बीच की दूरी को 1 मात्रक कहते हैं। जो अंक इस संख्या रेखा में दाईं ओर आता है वह बड़ा होता है। उदाहरण, 2 1 से बड़ा है और 2 1 की दाईं ओर आता है। तो मैं अगर अब आपसे पूछूं कि 100 और 90 में कौन संख्या रेखा में दाईं ओर आएगा, तो क्या आप बता सकते हैं? संख्या रेखा प्रयोग। किसी भी संख्या में कोई अंक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, यह जानने के लिए हमें उस संख्या से उस अंक बराबर मात्रक दूरी पर दाईं ओर जाना पड़ता है। उदाहरण, 3 में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, यह जानने के लिए हम 3 से 2 मात्रक दूरी पर दाईं ओर जाते हैं और ऐसा करने पर हमें 5 मिलता है, अर्थात 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। संख्या रेखा पर घटाना। किसी भी संख्या में कोई अंक घटाने पर क्या प्राप्त होता है, यह जानने के लिए उस संख्या से उस अंक बराबर मात्रक दूरी पर बाईं ओर जाना पड़ता है। उदाहरण, 3 में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, यह जानने के लिए हम 3 से 2 मात्रक दूरी बाईं ओर जाते हैं और ऐसा करने पर हमें 1 मिलता है, अर्थात 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। संख्या रेखा पर गुणा करना। हम संख्या रेखा की मदद से गुणा भी कर सकते हैं। उदाहरण, 4 × 3 की गणना करनी हो तो 0 से 4 बार 3 मात्रक दूरी दाईं ओर जाना पड़ेगा या फिर 3 बार 4 मात्रक दूरी दाईं ओर जाना पड़ेगा। ऐसा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वही 4 × 3 का परिणाम होती है।
पूर्ण संख्याओं के गुण। दो पूर्ण संख्याओं का योग एवं गुणनफल करने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को समवृत्त गुण कहते हैं। उदाहरण, 2 और 3 पूर्ण संख्या है। इन्हें जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। वहीं 2 और 3 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग एवं गुणन के अंतर्गत समवृत्त होती हैं। आइए कुछ बातों पर विचार करते हैं। 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 7 में से 3 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 3 में 8 घटाने पर क्या एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? नहीं। वहीं 6 में 2 का भाग लेने पर 3 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 8 भागे 4 2 होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या 2 भागे 5 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? नहीं। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत समवृत्त नहीं होती? जी हाँ, यह सच बात है। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत समवृत्त नहीं होती। आइए कुछ और बातों पर विचार करते हैं। 1 में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। 2 में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? लेकिन वहीं 3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, और 5 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? क्या आपका परिणाम वही है जो पहले आया था? क्या 2 में 1 जोड़ने पर 3 ही प्राप्त हुआ? क्या 5 में 3 जोड़ने पर 8 ही प्राप्त हुआ? ऐसे ही 2 में 3 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। क्या 3 में 2 का गुणा करने पर 6 ही प्राप्त होता है? 4 में 2 का गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है। क्या 2 में 4 का गुणा करने पर भी 8 ही प्राप्त होता है? 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। क्या 2 में से 5 घटाएंगे तो हमें यही परिणाम दोबारा मिलेगा? नहीं, शायद नहीं। 8 में से 6 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, लेकिन 6 में से 8 घटाने पर क्या 2 प्राप्त होगा? नहीं। 6 भागे 2 3 देता है, लेकिन क्या 2 भागे 6 3 देगा? नहीं। आइए जानते हैं कि हमें विचार करने पर क्या पता चला। हमने यह सीखा कि कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में योग या गुणा करने पर परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही वाक्य व्यवकलन और विभाजन के लिए नहीं कहा जा सकता। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को क्रम विनियमता कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणफल के अंतर्गत क्रम विनिमय है। विचार कीजिए, किन्हीं 3 संख्याओं को जोड़ने पर हम कौन सी 2 संख्याओं को पहले जोड़ते हैं? क्या इससे परिणाम पर फर्क पड़ता है? वैसे ही क्या 3 संख्याओं का गुणा करते समय हम कौन सी 2 संख्याओं का गुणा पहले लेते हैं? क्या इससे परिणाम पर फर्क पड़ता है? जी नहीं। योग और गुणा दोनों समय हमें परिणाम पे फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को सहचर्यता कहते हैं। कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं, 3 या 3 से ज्यादा पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय हम कौन सी 2 संख्याओं को पहले जोड़ रहे हैं, इससे परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही 3 या 3 से ज्यादा पूर्ण संख्याओं का गुणा लेते समय हम कौन सी 2 संख्याओं का गुणा पहले लेते हैं, इससे परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यह सीखा कि पूर्ण संख्याएं
योग एवं गुण के अंतर्गत सहचर्य होती है। निम्नलिखित का ज्ञात कीजिए। उत्तर, दिए गए प्रश्नों में हम पूर्ण संख्याओं के सहचर्यता गुण का इस्तेमाल करेंगे। उसकी मदद से हम दिए गए प्रश्नों का मान काफी आसानी से निकाल लेंगे। पहला सवाल, हमने अंत की दो संख्याओं को जोड़कर 30 बना लिया और 30 में 14 जोड़कर 44 बना लिया। दूसरा सवाल, हमने पहले 13 में 7 जोड़कर 20 प्राप्त किया और फिर उसमें 4 जोड़कर 24 प्राप्त किया। ऐसे ही तीसरे सवाल में हमने पहले 25 और 4 का गुणा लिया और ऐसा करने पर हमें 100 प्राप्त हुआ। उसी 100 को 56 से गुणा लेने पर हमें 5600 प्राप्त हुआ। ऐसा करने से हमें काफी आसानी से हमारे उत्तर मिल गए। विचार कीजिए, 6 × 8 40 होता है। 6 × 5 में 6 × 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? ऐसा करने पर भी हमें 40 प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को योग पर गुणन का वितरण गुण कहते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार एक पेंसिल पर 2 रुपए कमाता और एक पेन पे 3 रुपए कमाता। उसकी कुल कमाई कितनी होगी अगर उसने एक दिन में 4 पेंसिल और 4 पेन बेचे? उत्तर, पहले हम पेंसिल से की गई कुल कमाई निकालेंगे, फिर हम पेन से हुई कुल कमाई निकालेंगे और उनको आपस में जोड़ने पर हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा। पेंसिल से की गई कमाई 4 × 2, पेन से की गई कमाई 4 × 3, तो एक दिन की कुल कमाई हुई 4 × 3 + 4 × 2 = 4 × 3 + 2 = 4 × 5 = 20। तत्सम अव्यय, योग एवं गुण के लिए, शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या जोड़ने पर वही प्राप्त हो जाती है। इसलिए शून्य को योग का तत्सम अव्यय कहते हैं। एक का किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा लेने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक को गुण का तत्सम अव्यय कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप, इसमें हम पूर्ण संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभित आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो मित्रों, आज के पाठ में हमने निम्नलिखित चीजें सीखी। पूर्ण संख्याएं क्या होती, संख्या रेखा क्या होती है और कैसे संख्या रेखा की सहायता से हम गुण, योग, घटाना और विभाजन कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण क्या होते हैं और पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप क्या होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।